सरहद पर और मैदानी जंग में अपने योद्धाओं को लड़ते तो जरूर देखा होगा। कुछ इसी तरीके का काम कर रहे हैं आज दुनिया भर के डॉक्टर्स, जो अपनी जान पर खेलते हुए कोरोना वायरस के मरीजों का उपचार कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसी विषय में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हमजा की अगुवाई में इनको सम्मान दिया गया। आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, उसी में भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और भारत के डॉक्टर्स का इसमें अहम रोल है। आज अलीगढ़ के समाज सेवी खालिद खां पप्पू ने यह फैसला किया के जैन मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा। फिर जैन मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमजा की अगुवाई में सभी डॉक्टर और रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कार्यालय को सम्मानित किया गया। इनको फूलमालाएं पहनाई गईं, इनका हौसला बुलंद किया गया और कहा गया कि जो भी संभव मदद खालिद खां पप्पू से हो सकेगी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूर करेंगे। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं डॉक्टर फैज़ खड़े हैं जिनको खालिद खां पप्पू माला पहना रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं सबको माला पहनाकर उनका उत्साह को बढ़ाया गया, उनके हौसलों को बुलंद किया गया। ये डॉक्टर्स एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिनका अंत इनको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही पता है कि कब कोरोना वायरस के मामले आना ख़त्म होंगे, लेकिन ये किस मुस्तैदी से डटे हुए हैं, आज इनका ओहदा किसी सैनिक से कम नहीं है। इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो भी इनको सैल्यूट करता है और इनका हौसला अफजाई करता है कि ये भविष्य में ऐसे ही काम करते रहें ताकि इंसानियत जिंदा रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा एक संदेश दिया है, एक पीस का संदेश दिया है और वही संदेश आज ये रेसिडेंट डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। कोरोना योद्धा हैं उन लोगों का सम्मान किया गया कि जिस तरीके से हमारे और मौत के बीच में यही लोग खड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पुलिसकर्मी हैं, तो इन्हीं के सम्मान के लिए ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे और उसी ऊर्जा से ये लोग काम करते रहें। बहुत मेहनत से, बहुत लगन से दिन रात एक करके ना घर जा रहे हैं, ना ये लोग सो रहे हैं, ना किसी बात की फिक्र कर रहे हैं और सिर्फ खिदमत में लगे हैं। माहिर रमजान चल रहा है, रमजान में तमाम क्षेत्रों में तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और बहुत ज़्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एहतियात रखें। सबसे पहले हमें कोरोना से लड़ना है, बाद में सारे त्यौहार और सारी चीज़ें। जनता से इस चीज़ को लेकर क्या अपील करना चाहिए? बस यही कहूँगा कि जो सरकार का आदेश है, जो सरकार ने कहा है उसका पालन करें, कहना माने सभी लोगों का, और मास्क पहने और सैनिटाइज का यूज करें।